back to my channel, and if you're seeing my video for the first time, hello, I'm Oshin Patwa, and for today's video I'm gonna take a challenge. I'm gonna eat मैगी फॉर 24 आवर्स, एंड आज मैं दिन भर मैगी खाने वाली हूँ. एंड मैंने सोचा कि मैं सिंपल मैगी नहीं खाती हूँ बिकॉज मैं काफ़ी बोर हो जाऊँगी अगर मैं दिन भर सिंपल ही मैगी बना के खाऊँगी. तो मैं हर टाइम एक अलग मैगी की अलग डिश बनाऊँगी. तो आज मुझे चार न्यू डिश ट्राई करने मिलेंगी. सो गाइज, इफ़ यू रियली लाइकिंग इट, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. सो गाइज, इट्स 10 AM एंड ये मेरा यूजली ब्रेकफास्ट का टाइम होता है. तो आप जल्दी से चल के ब्रेकफास्ट बनाते हैं. एंड ब्रेकफास्ट के लिए मैंने एग मैगी डिसाइड की है और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ. वैसे एग और मैगी मुझे अलग अलग काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट मिक्स करके ये कैसे लगेंगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. एंड देखते हैं कैसा टेस्ट होता है. सो गाइज, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी मैगी की रेसिपीज ट्राई की थी, एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोस वीडियोस. बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज ट्राई की थी मैंने, और मैं उन वीडियो की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो फर्स्ट लेट्स गो एंड कुक. सो गाइज, माई एग मैगी इज़ रेडी एंड अब मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ कि ये कैसा बना है. वैसे ब्रेकफास्ट के लिए और भी ऑप्शंस थे, बट मुझे कुछ हेल्दी खाना था, दैट्स वाई मैंने एग मैगी ट्राई किया. इट्स नाइस. सो गाइस, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. मतलब पूरा भुर्जी वाला फ्लेवर आ रहा है. भुर्जी में ऐसा लग रहा है कि मैगी डाल दिया, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. तो अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर आपको एग चलता है, तो आप बिल्कुल ये ट्राई कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. सो गाइस, अब मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ एंड मैं अब आपको मिलती हूँ लंच में. सो गाइज, आई एम बैक एंड नाउ आई हैव टेकन बाथ एंड मैं थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ. एंड राइट नाउ इट्स 1 o'clock. तो ये मेरा यूजली लंच का टाइम होता है. तो लेट्स गो एंड मेक लंच. और मैं लंच में मैगी फ्रैंकी बनाने वाली हूँ. और मैंने पहले सोचा था कि मैं मैगी पिज्ज़ा बनाऊँगी, बट मुझे चीज़ नहीं मिला. एंड लॉकडाउन के कारण मैंने ज़्यादा सर्च भी नहीं किया बिकॉज मैं दूर की दुकानों में नहीं गई. मैंने आसपास ही पूछा, वहाँ पर चीज़ नहीं मिला मुझे. सो गाइज, मैंने फिर सोच लिया कि मैं मैगी फ्रैंकी बनाऊँगी और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ. और मैंने जो वीडियो देखी है वो काफ़ी चटपटी फ्रैंकी बनाते हैं. सो मैं सेम वही रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ. सो लेट्स गो एंड मेक. सो गाइज, मेरी फ्रैंकी रेडी है एंड मैंने प्लेटिंग भी काफ़ी अच्छे से की है. और मैंने इसमें चिली पाउडर डाला है. होप ये बहुत ही ज़्यादा तीखी ना हो, बट मुझे तो ये काफ़ी टेस्टी लग रही है. सो गाइज, मेरी फ्रैंकी काफ़ी चटपटी बनी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है. और फ्रैंकी के लिए जो मैंने परांठा लिया था, वो आप सिंपल रोटी परांठा भी ले सकते हैं, बट मैंने फ्रैंकी के लिए हाफ मैदा और हाफ आटे का डो बनाया था, फिर उससे मैंने ये परांठा बनाया था. सिंपल भी ले सकते हैं, और कुछ ऐसा खास चेंजेस नहीं आएगा, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है. बहुत ही तीखी है एंड आई लव इट. सो गाइज, अब मैं अपनी फ्रैंकी आराम से ख़त्म करती हूँ एंड मैं आपसे इवनिंग स्नैक के टाइम पे मिलती हूँ.
सो गाइज इट्स इवनिंग टाइम एंड मैं रोज़ शाम को अपने टेरेस पे आती हूँ बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे. एंड गाइज इवनिंग स्नैक के लिए मैंने मैगी भेल बनाई है और इससे पहले भी मैंने मैगी भेल ट्राई की थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी. तो अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपना इवनिंग ब्रंच इंजॉय करूँगी. गाइज़ मेरा मैगी भेल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है, लेकिन ये और भी टेस्टी होता अगर मैं इसमें लेमन जूस ऐड करती, बट मेरे घर पे अभी लेमन जूस नहीं था तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया. अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं. एंड गाइज प्लीज़ अवॉइड बैक नॉइजेस, बहुत सारी नॉइजेस आ रही हैं लेकिन मैं टेरिस पे हूँ तो कुछ नहीं कर सकते हैं. सो गाइज़ अब मैं आराम से अपना इवनिंग ब्रंच और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएँ इंजॉय करूँगी एंड मैं आपसे मिलूँगी डिनर टाइम पे. Guys, I'm back and it's my dinner time and मैंने dinner के लिए ये मैगी balls बनाए हैं and इसकी recipe मैं आपके साथ share कर दूंगी. सो गाइज ये है मेरी मैगी बॉल्स एंड ये काफ़ी टेस्टी लग रही हैं, बहुत गर्म है तो मैं जल्दी से इसे टेस्ट करती हूँ. और मुझे पता है ये काफ़ी टेस्टी होंगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होंगी. अमेजिंग गाइज. सो गाइज ये मैगी बॉल्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं एंड अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं. और गाइज मैंने ये किया था, मेरी मम्मा ने पहले ही बोला था कि इसे काफ़ी सिम गैस पे फ्राई करना, तो इससे ये सारे पक गए हैं, अंदर तक पक गए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं. एंड मैं इसे बार बार ट्राई करूँगी. मैं कभी भी बना सकते हैं, लाइक फ्रेंड्स आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है तो काफ़ी इजी है, हम बना सकते हैं. एंड मैंने सिर्फ इसमें अनियंस ऐड किया था, आप और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं आपके पसंद के हिसाब से. सो आई लाइक दिस, आई लव दिस एंड मैं आराम से अब अपना के ड्रामा देखते हुए अपना डिनर एंजॉय करूंगी. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बी ब्यूटीफुल, बी सेफ.